हाय एवरीवन जी, ये मैं शुरू करने लगी हूँ आज आलू ते चिकन। ठीक है, पका लियो। अच्छा, स्वादी बनानी मैं सादा तरीके ना। अच्छा हम सुनो, मैं विच पा रही हूँ आधा किलो चिकन, हाफ के जी पटाटो, ठीक है, हरी मिर्च, टमाटर वगैरह, अदरक का पेस्ट, सारा कुछ है। ठीक है, अब मैंने इसमें डाल दिया है प्याज और इसमें डाली है पेस्ट। प्याज पेस्ट कितना भला, टमाटर, हरी मिर्च, अदरक, ठीक है। अब मैंने भून लिया है, चंगी तरह भूनिया, जितना अच्छा तुम भूनोगे उतना सोना सालन बनेगा। ठीक है, तो मैं बता रही थी आपको कि मैंने ये भून लिया है। अब इसमें थोड़ा सा वाटर को कट लिया है, ठीक है, और इसमें मैंने छिटा भी इसे इसे दोबारा भून लिया, क्योंकि वो खलने लग गई, जल भी जाती है ना प्याज, आपको पता तो है। ठीक है, अब इसको मैंने इसमें डाला है, अभी लाल मिर्च है, अदरक है और सालट है। ठीक है, अब इसे मैंने थोड़ा सा पानी पहले डाला था, अब मैंने इसको भून लिया है। ठीक है, अब जो जो मैं बता रही हूँ वो ऐसे वैसे करना है, अपने तरफ से ना तरीके बनाना, वो और एक रेसिपी बन जाएगी। ठीक है, अब मैंने इसे भून लिया है, और भूनते भूनते थोड़ा सा अगर गाना इनका भी ले जाए ना तो गा लिया करो, कोई बात नहीं, इसमें कौन सा म्यूजिक जो गुना होगा। ठीक है, अब इसको इसमें मैंने डाला है टमाटो, टमाटो, ठीक है, और इसको मैंने फिर भूनना है। भूनना कैसे है कि ये थोड़ा सा मिक्स हो जाए, चंगी तरह रल जाए। ठीक है, अच्छी तरह रल गया तो अब इसको हमने थोड़ा थोड़ा करके भूनते रहना है और थोड़ा थोड़ा से गुनगुनाते रहना है। ठीक है, क्या गुनगुनाना है, ये मेरी आवाज़ इतनी सोनी नहीं है इसलिए मैं गुनगुना नहीं सकती, आप लोग मेरी जोर करोगे, मजाक करोगे। ठीक है, अब इसको मैंने ढांप दिया है, ठीक है, चंगी तरह ढांप दिया है। अब इसको मैंने डालना है चिकन, टुकड़ी का चिकन, ठीक है, अब इसे भी भून लेना, लेकिन अच्छी तरह भूनना, कच्चा पाना रहेगी, अगर कच्चा पाना आ जाएगा दिल खराब होने लग जाएगा। ठीक है, अच्छी तरह भूनना है, प्यारा प्यारा भूनना है, और इसमें मैंने डाल लिया जौ, दही घर की, और इसमें डाल लिया है आलू। अब इसको मैंने भून लिया है, वो भी चंगी तरह, ठीक है, और मैंने भून के लिया है, अब भून के तकरीबन 15 मिनट भूनना है, और इसमें डाल दिया है मैंने वाटर, इसको मैंने सीख लिया है, और अब ये हमने इसे अच्छी तरह मिक्स कर लिया है। ठीक है, अब हमने इसका दे देना है कुकर को, कर देना है बंद, ठीक है, और बंद करके, और इसमें हरी मिर्च डालने ना भूलिएगा, हरी मिर्च ना साबुत बहुत स्वादी लगती है। ठीक है, तो बाकी तो आपको पता ही है कैसे डालें। अब कुकर मैंने बंद कर दिया और ये हमारा शोरबा बनना शुरू हो गया है, तो बनने वाला है, थोड़ा बस 2 मिनट वेट। इसमें मैंने डाली है सूखी मेथी और हरा धनिया और गरम मसाला। ठीक है, अब इसे मैंने गरम पकने के लिए रख दिया और बन दिया ढक्कन बंद, और ये लो जी चंगा मज़ेदार